नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई अपडेट में। तो बहनों फाइनली पोषण ट्रैकर ऐप में एक और नई अपडेट आई है जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। चूंकि ये अपडेट है 19.3 तो इसमें आप लोगों के लिए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव की गई है। तीनों अपडेट के बारे में आप जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तीनों अपडेट के बारे में बारी बारी जानते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप लिख के सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। सभी आंगनबाड़ी सेविका बहन इसको अपडेट जरूर कर लें। चलिए इसको हम अपडेट कर लेते हैं। जब तक ये अपडेट हो रहा है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइनली पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अपडेट हो चुका है। और उसके पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि ये क्या अपडेट आया हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे वर्जन चेक करेंगे। 19.3 का ये लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। MPR एबिलिटी फ्रॉम अप्रैल 2023 ऑनवर्ड इन ऑनलाइन मोड। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो पिछला अपडेट आया था 19.2 उसमें एक MPR करके फाइल ऐड की गई थी जिसमें कि आप लोगों ने कितना कार्य किया है वो सारी चीज़ें आप लोग उस MPR फाइल में देख सकते थे। तो उसी के रिकॉर्डिंग ये अपडेट आई हुई है। तो चलिए हम पोषण ट्रैकर ऐप पर चलते हैं और जानते हैं कि इस बार इसमें क्या चेंजेस की गई है। तो यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करने के बाद सिंपली हम लोग नीचे आएंगे। देख सकते हैं MPR का एक फाइल यहाँ पे ऐड किया गया है। इसको हम लोग सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि पहले आप लोग देखते थे तो सिर्फ एक ही महीना का यहाँ पे दिखा रहा था, जैसे कि अगस्त महीना का दिखा रहा था कि अगस्त महीने में आपने कितना काम किया, या फिर एक महीना पीछे का ही दिखा रहा था कि जब आप यहाँ पे MPR फाइल को ओपन करेंगे तो आपके एक मंथ पीछे का ही डाटा दिखा रहा था। बट इसमें एक चेंजेस किया गया है। यहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन दे दिया गया है जहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से मार्च से लेके अगस्त तक का यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि मार्च में आपने कितना काम किया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आप बैक मंथ का भी यानी पिछले मंथ में हमने कितना काम किया वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम मई को सिलेक्ट करते हैं तो मई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मई का यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड दिखा रहा है कि मई महीने में हमने कितना कार्य किया है, वो सभी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला अपडेट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की ओर। दूसरा अपडेट यहाँ पे है ग्रोथ मॉनिटरिंग बिग फिक्सेड। यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग जब आप लोग करते थे तो उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उस प्रॉब्लम को यहाँ पे ठीक किया गया है। और तीसरा अपडेट है ऐप ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो अंदरूनी कुछ मिस्टेक होती है उसको यहाँ पे ठीक किया गया है। तो चलिए चलते हैं फिर से हम पोषण ट्रैकर ऐप पे और यहाँ पे हम ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे किसी भी बच्चे की कैटेगरी को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विकास की निगरानी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोगों को ग्रोथ मॉनिटरिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको यहाँ पे ठीक कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में 19.3 का ये न्यू अपडेट आया है जिसमें कि यही दो चेंजेस किए गए हैं। हालांकि उतना कोई ये खास अपडेट नहीं था लेकिन MPR में जो अपडेट आई है जिसके वजह से आप लोग पिछले मंथ का भी आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, तो वो अपडेट हमें बहुत अच्छी लगी, ठीक है। आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।